Hello students, in the last video we have studied about the rectangular coordinate system. Okay, now in this video we will start with the cylindrical coordinate system. Okay, so what is cylindrical coordinate system, क्या होते हैं इसके parameters? तो सबसे पहले अगर मैं cylindrical coordinate system के parameters देख लूँ यहाँ पर, तो जो इसके parameters आपके होते हैं, that is rho, phi and z. Okay, तो यहाँ पर रो क्या है आपका, फाई क्या है आपका और जेड क्या है आपका, ये आपको पहले पता होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर अगर मैं एक सिंपल सा सिलेंडर ड्रॉ कर लूँ तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज रो, व्हाट इज फाई एंड व्हाट इज जेड. ओके, तो यहाँ पर एक सिंपल सा सिलेंडर है और ये आपकी जो है वो है रेफरेंस लाइन. ओके, तो इस रेफरेंस लाइन को हम कहते हैं जेड. ओके, ये है आपका जेड एक्सिस. ओके, नाउ ये जेड एक्सिस है, ये जेड नहीं है, ये जेड आपका एक्सिस है. ओके, तो यहां पर जो आपका पैरामीटर है वो रो फाई जेड है और जो सिलेंडर का जो रेफरेंस लाइन है वो होता है जेड एक्सिस. ओके, मींस जेड एक्सिस के अराउंड ही आपके सर्कल्स पे सर्कल्स बनते चले जाते हैं. जेड एक्सिस आपका सिलेंडर का बिल्कुल सेंटर में जो लाइन होती है वो कहलाती है आपकी जेड एक्सिस. ओके, नाउ अब अगर मैं बात करूं कि ये पैरामीटर्स क्या क्या है यहां पर, अगर मैं बात करूं यहां पर रो की, तो जो रो है आपका, सपोज करिए यहां पर कोई पॉइंट है आपका P, ठीक है, तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज क्या है, टू एड्रेस द पॉइंट इन द 3D एक्सिस. ओके, तो जो आपका रो है बेसिकली ये पॉइंट जो P है उसकी रेफरेंस लाइन से जो डिस्टेंस है वही आपका रो है. ओके, तो एक तरह से अगर डेफिनेशन वाइज बात करूं मैं तो रो क्या है आपका, रो इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन. ओके, तो रो क्या है आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपका, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओके, ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन. ओके, तो ये होता है आपका रो. ओके, क्लियर है. एक तरह से आप ये भी सोच सकते हैं कि जो आपका रो है वो रेडियस है. क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि रेफरेंस लाइन के अराउंड लगातार सर्कल बनते चले जाएंगे और जो रो होगा आपका वो सर्कल की क्या होगी, रेडियस ही होगी, ठीक है. तो जो रो की रेंज होती है आपकी वो होती है 0 to infinity. ओके, क्लियर है पॉइंट अच्छे से. नाउ जेड क्या है, जेड आप देखिए इस पॉइंट पी की जो हाइट है अराउंड द रेफरेंस लाइन. ओके, अलोंग द रेफरेंस लाइन आप बोल सकते हैं पॉइंट पी की हाइट क्या है, मींस जो जेड एक्सिस है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट क्या है पॉइंट पी की, वो कहलाता है आपका जेड. ओके, तो Z जो होगा आपका, ठीक है, हाइट कहला रहा है आपका, हाइट ऑफ द पॉइंट. ओके, क्लियर है पॉइंट आपको अच्छे से, हाइट ऑफ द पॉइंट अलोंग द रेफरेंस लाइन, ठीक है. और जो आपकी हाइट हो सकती है वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है, इसलिए जो Z की रेंज होती है वो होती है -∞ to +∞. ओके, क्लियर है अच्छे से. नाउ जो नेक्स्ट है आपका फाई. ओके, फाई को आप समझिए, फाई क्या है आपका, ये है ओरिएंटेशन ऑफ द पॉइंट अराउंड द रेफरेंस लाइन. ओके, तो फाई है आपका ओरिएंटेशन ऑफ द पॉइंट. ओके, अराउंड द रेफरेंस लाइन. ओके, अराउंड द रेफरेंस लाइन. क्लियर है पॉइंट अच्छे से. नाउ तो आप यहां पर ध्यान से समझिए फिगर वाइज कि फाई आपका क्या है. आप देखिए ये जो मान लीजिए आपका पॉइंट पी है, ठीक है, ये आपकी रेफरेंस लाइन है. आप 3D एक्सिस में एक सिलेंडर को अज्यूम करिए. ओके, तो ये जो पॉइंट पी होगा ये रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कहीं भी हो सकता है. आप पूरा एक सर्कल अज्यूम करिए रेफरेंस लाइन के अलोंग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पॉइंट पी जो है उस सर्कल में कहीं भी हो सकता है. क्लियर है पॉइंट. तो जो फाई है वो उसी डायरेक्शन को शो कर रहा है, उसी ओरिएंटेशन को शो कर रहा है. तो जो फाई है बेसिकली आपका एंगल को शो कर रहा है. तो एक सर्कल का जो पूरा एंगल हो सकता है वो क्या हो सकता है, रेंज क्या हो सकती है आपकी, 0 to 2π. तो जो आपकी फाई की रेंज है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 0 to 2π. ओके, क्लियर है अच्छे से, ठीक है. तो यहां पर आपका रो, फाई और जेड हम लोगों ने डिफाइन कर लिया. अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सपोज करिए आपका अगर रो कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ रो कांस्टेंट है. ओके, तो अगर आपका रो कांस्टेंट ले लेता हूं मैं, यहां पर एक केस अज्यूम कर रहा हूं कि रो इज कांस्टेंट. ओके, तो उससे क्या होगा आप फिगर वाइज समझिए. देखिए अगर आपका रो कांस्टेंट है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा,
कि आपका जो कोसेंट्रिक सिलेंडर है अराउंड द रेफरेंस लाइन, ओके, वो आपका बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप जेड को कांस्टेंट नहीं लेके चल रहे हैं, जेड आप ऊपर से नीचे कहीं भी मूव कर सकते हैं, और जो आपका रो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो कोसेंट्रिक सिलेंडर बन जाएगा अराउंड द रेफरेंस लाइन, ओके। तो अगर रो कांस्टेंट है तो क्या शो कर रहा है आपका, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विथ रो इक्वल टू कांस्टेंट इज अ कोसेंट्रिक सिलेंडर अराउंड द रेफरेंस लाइन, ओके, क्लियर है अच्छे से। तो अगर रो कांस्टेंट है तो इट विल बी कोसेंट्रिक सिलेंडर, ओके, क्लियर है, ये आपका क्रिएट होगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आपका जो रो है और जेड है दोनों ही कांस्टेंट है, ओके, तो नेक्स्ट मैं ले रहा हूं रो एंड जेड, बोथ आर क्या है आपके, कांस्टेंट है, ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, रो एंड जेड दोनों कांस्टेंट है, इस बात को समझिएगा ध्यान से। देखिए यहां पर सपोज करिए रो है और जेड भी कांस्टेंट है, मतलब कि हाइट भी कांस्टेंट है, मतलब आप इसी पॉइंट पे ही रहेंगे हमेशा, ठीक है ना, तो ये क्या शो करेगा आपका, ये शो करेगा कोसेंट्रिक सर्कल अराउंड द लाइन, ओके। सर्कल क्यों बोल रहा हूं, देखिए लास्ट केस पे जब सिर्फ रो कांस्टेंट था तो आप जेड में ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकते थे, सिर्फ रो कांस्टेंट रहता, ठीक है ना, जेड कांस्टेंट नहीं था, तो जब आप ऊपर नीचे कहीं भी मूव करते तो बहुत सारे सर्कल बनते आपके अलोंग द जेड एक्सिस, ओके, तो वो कहलाता आपका कोसेंट्रिक सिलेंडर, ठीक है। नाउ अब आपका रो और जेड दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब आप ऊपर नीचे भी मूव नहीं कर सकते, आप एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर रहेंगे, ओके, तो ये आपका कहलाएगा कोसेंट्रिक सर्कल, ओके, तो कोसेंट्रिक सर्कल अराउंड द लाइन, क्लियर है अच्छे से पॉइंट आप लोगों को। तो ये होता है आपका रो फाई जेड की डेफिनेशन, एंड रो के कांस्टेंट होने से क्या होगा, या रो एंड जेड के कांस्टेंट होने से क्या होगा, आपको फिगर को इमेजिन करना आना चाहिए बहुत अच्छे से, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो बोर्ड है या जो ये आपकी पीपीटीज हैं उसमें हम 3D फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो 3D फिगर आपको खुद से अज्यूम करना आना चाहिए, अगर आप वो अज्यूम कर पा रहे हैं, अगर आप एक सिलेंडर को अज्यूम कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ओके, क्लियर है। नाउ यहां पर मैं एक वेक्टर अज्यूम कर रहा हूं, वेक्टर ए, ठीक है, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, तो वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं ए रो प्लस ए फाई, देन अगेन ए फाई प्लस ए जेड, ओके, तो यहां पर जो कैपिटल ए रो ए फाई एंड ए जेड है वो आपके क्या है, कॉफिशियंट है, ठीक है ना, इन द रो डायरेक्शन, इन द फाई डायरेक्शन एंड इन द जेड डायरेक्शन, और जो स्मॉल ए रो ए फाई एंड ए जेड है वो क्या है आपके, यूनिट वेक्टर्स हैं, और वो क्या शो कर रहे हैं, बेसिकली आपका डायरेक्शन शो कर रहे हैं, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर सेम जैसे हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था वेक्टर के बेसिक्स में, मॉड ऑफ ए आप निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा फिर, ए रो स्क्वायर प्लस ए फाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ओके, सेम आप यूनिट वेक्टर में रिलेशनशिप भी देख सकते हैं, लाइक ए रो डॉट ए रो कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, सेम ए फाई डॉट ए फाई भी कितना हो जाएगा, 1, और सेम आप लिख सकते हैं ए जेड डॉट ए जेड इक्वल टू 1, ठीक है ना, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वेक्टर के बेसिक्स में ये सारी चीजें। उसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल दूं, ए रो डॉट ए फाई कितना हो जाएगा आपका, 0, ठीक है ना, मीन्स अगर आप सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 आएगा, डिफरेंट का लेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा, ओके। अब अगर मैं यहां पर सिंपली आपको क्रॉस प्रोडक्ट शो करूं तो ये वैसे ही हो जाएगा आपका ए रो डॉट क्रॉस एक्चुअली ए फाई, ओके, ए रो क्रॉस ए फाई इज इक्वल टू ए जेड, ओके, जैसे हम करते थे ए एक्स क्रॉस ए वाई इक्वल टू ए जेड, ओके, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। उसके बाद हम कर सकते हैं ए फाई क्रॉस ए जेड, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए रो, ओके। नाउ लास्ट हम कर सकते हैं ए जेड क्रॉस ए रो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ए फाई, ओके। यहां पर आपको अच्छे से याद होगा जब आपको मैंने वेक्टर के बेसिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था तो ये बताया था कि अगर ए रो क्रॉस ए फाई ए जेड है तो ए फाई क्रॉस ए रो जो होगा वो होगा माइनस ए जेड, ओके, क्लियर है अच्छे से। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट के, आपको इस पे बिल्कुल भी कुछ याद नहीं रखना है, आप
सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से कंपेयर कर दीजिएगा। कार्टेशियन में जहां आप एक्स वाई जेड लिखते थे, यहां पर आपका रो फाई जेड है, बिल्कुल बाकी सब कुछ आपका सेम होगा। ओके, क्लियर है अच्छे से? नाउ अब अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच रिलेशनशिप आपको शो करूं, तो यहां पर हम एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो यहां पर अगर मैं एक फिगर ड्रॉ करूं, ये मेरा सपोज करिए एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज माय वाई एक्सिस और ये मेरा है जेड एक्सिस। ओके, तो यहां पर ये जो पॉइंट होगा आपका, जहां पर आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड बोल सकते हैं आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल सेम होंगे। मैं ये ले रहा हूं पॉइंट पी, जो आपका एक्स वाई जेड भी है और आपका वो रो फाई जेड भी है। ओके, तो जो पॉइंट पी है उसकी जो डिस्टेंस होती है रेफरेंस लाइन से, जेड एक्सिस से, वो क्या होती है आपकी रो। तो ये आपका हो गया रो। ओके, और क्या होता है आपका जेड, तो दोनों में सेम होता है, एक्स वाई जेड में भी आपका जेड सेम है और रो फाई जेड में भी आपका क्या जेड है, सेम है। ओके, यहां पर देखिए ये जो एंगल होता है ये कहलाता है आपका फाई। ओके, तो आपके सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं वो शो हो गए, ठीक है ना, एक्स वाई जेड भी शो हो गया और रो फाई जेड भी शो हो गया। क्लियर है अच्छे से? नाउ अब अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर दूं यहां पर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका डिस्टेंस है ये आपका क्या है, रो है। क्लियर है अच्छे से? ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, वाई हो जाएगी, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो जो एक्स है आपका, एक्स कितना हो जाएगा आप देखिए, अगर मैं यहां से कॉस फाई कैलकुलेट करने के लिए जाऊं तो कॉस फाई क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोपोटेनियस, दैट इज एक्स अपॉन रो। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, रो कॉस फाई। ओके, यहां से अगर मैं वाई कैलकुलेट करने जाऊं, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर साइन फाई कैलकुलेट करता हूं तो साइन फाई क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर वाई अपॉन हाइपोपोटेनियस, दैट इज रो। तो वाई कितना हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा रो साइन फाई। ओके, क्लियर है अच्छे से? नाउ लास्ट में जेड किसके इक्वल हो जाएगा आपका, जेड के, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जेड दोनों में ही आपका क्या है, सेम है। क्लियर है? नाउ हम चाहे तो रो की वैल्यू भी निकाल सकते हैं एक्स और वाई के टर्म में और फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करता हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आप देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। हमें पता है कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना होता है, वन होता है, तो रो की वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से? नाउ यहां पर अब अगर मैं फाई निकालने के लिए जाऊं तो फाई आप देख लीजिए यहां से, अगर मैं यहां पर वाई अपॉन एक्स करता हूं, ठीक है, तो रो रो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, टेन फाई इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। तो फाई कितना हो जाएगा आपका, फाई हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपका रो और फाई कैलकुलेट हो गया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, कई बार न्यूमेरिकल्स में होता है कि हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स गिवन होते हैं लेकिन हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, तो उस समय ये डेटा आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। ओके, क्लियर है अच्छे से? नाउ एक और रिलेशन मैं आपके लिए यहां पर लिख रहा हूं, वो रिलेशन होता है आपका यूनिट वेक्टर्स के बीच में। ओके, तो रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर्स, ओके, ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो अगर मैं यहां पर ए एक्स ए वाई और ए जेड की वैल्यू लिखूं आपके लिए, तो जो आपका ए एक्स होता है वो होता है आपका कॉस फाई ए रो, ओके, माइनस साइन फाई ए फाई। ओके, ए वाई जो होता है वो होता है साइन फाई ए रो प्लस कॉस फाई ए फाई। ओके,
एंड ए जेड जो होता है वो आपका ए जेड ही होता है, जेड हमेशा इक्वल होगा आपका, उसमें आपको कोई वरी नहीं करना है. ओके नाउ अब अगर मैं ए रो ए फाई और ए जेड की वैल्यू लिखूं तो ए रो ए फाई एंड ए जेड, तो ए जेड तो ए जेड के इक्वल है, इसमें आपको कोई वरी नहीं करना है. ओके तो ए रो क्या होता है आपका कॉस फाई, ओके ए एक्स प्लस साइन फाई ए वाई, ओके ये हो जाता है आपका माइनस साइन फाई ए एक्स प्लस कॉस फाई ए वाई. ओके तो ये आपके यूनिट वेक्टर्स के बीच रिलेशनशिप होते हैं. ओके अगर मैं यहां पर बताऊं गेट के एग्जाम में ये इतना यूज नहीं हुए हैं आज तक, आपके इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं यूनिट वेक्टर में रिलेशनशिप से, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए इक्वेशंस लिख दिए हैं. अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम किसी क्वेश्चन में अगर इन इक्वेशन का यूज होता है तो आप एज अ रेफरेंस के लिए इन्हें यूज कर सकते हैं. ओके जहां तक ये जो लास्ट डेरिवेशन हमने किया था रिलेशनशिप का एक्स वाई जेड एंड रो फाई जेड के बीच में, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. लेकिन इनको आप एज अ रेफरेंस के लिए अपने पास रख सकते हैं, ठीक है. और अगर आपको याद रह जाते हैं ये इक्वेशन तो इनका आप यूज भी कर सकते हैं अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो. ओके क्लियर है पॉइंट अच्छे से. तो ये होते हैं आपके यूनिट वेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप. नाउ यूनिट वेक्टर के रिलेशनशिप जैसे ही सेम टू सेम होते हैं आपके कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप. ओके तो यहां पर अगर मैं रिलेशनशिप लिखूं कैपिटल ए एक्स कैपिटल ए वाई एंड कैपिटल ए जेड का इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए रो कैपिटल ए फाई एंड कैपिटल ए जेड में, तो ये रिलेशनशिप जो आपका होता है याद रखने के लिए बहुत ईजी है क्योंकि बिल्कुल सेम होगा जैसा आपने यूनिट वेक्टर्स के बीच में पढ़ा है, ठीक है. तो यूनिट वेक्टर्स में आपको क्या पढ़ा हुआ है आप ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए आपने पढ़ा हुआ है कॉस फाई माइनस साइन फाई, देन सेकेंड रो क्या है आपकी साइन फाई कॉस फाई, ओके एंड थर्ड रो आपकी क्या है जीरो जीरो वन. क्यों? क्योंकि यहां पर आपका ए रो और ए फाई का कोई टर्म ही नहीं है, सिर्फ ए जेड है, ठीक है ना. तो फर्स्ट रो एक्चुअल में क्या हो रही है आपकी ए रो का कॉफिशियंट क्या है कॉस फाई, ए फाई का क्या है माइनस साइन फाई और ए जेड का क्या है आपका जीरो. तो क्या हो जाएगा कॉस फाई माइनस साइन फाई जीरो, सेकेंड रो साइन फाई कॉस फाई जीरो, थर्ड रो जीरो जीरो वन. ओके तो यहां से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं इसके, फर्स्ट इक्वेशन आपका हो जाएगा कॉस फाई माइनस साइन फाई एंड जीरो. ओके सेकेंड हो जाएगा आपका साइन फाई कॉस फाई एंड जीरो एंड थर्ड हो जाएगा जीरो जीरो वन, ठीक है. तो अगर आप यहां पर ए एक्स की वैल्यू देखेंगे तो ए एक्स क्या हो जाएगा कॉस फाई ए रो माइनस साइन फाई ए फाई इंटू जीरो, ठीक है ना. और आप देख सकते हैं यहां से आपके इक्वेशन यही थे. क्लियर है पॉइंट अच्छे से. तो अगर आप यूनिट वेक्टर के बीच में रिलेशनशिप को याद रख पाते हैं, ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड के बीच रिलेशनशिप है जो कॉफिशियंट के बीच रिलेशनशिप है वो भी आपके बिल्कुल क्या होंगे सेम होंगे. ओके सिमिलरली आप लिख सकते हैं ए रो ए फाई एंड ए जेड का रिलेशनशिप, ओके इनकी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ ए एक्स ए वाई एंड ए जेड. ओके तो ये कितना हो जाएगा आपका सेम यूनिट वेक्टर जैसा ही होगा. तो यहां पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं आपके लिए, फर्स्ट रो हो जाएगी आपकी कॉस फाई साइन फाई एंड जीरो, सेकेंड रो हो जाएगी आपकी माइनस साइन फाई ओके कॉस फाई एंड जीरो एंड थर्ड रो हो जाएगी आपकी जीरो जीरो वन. ओके क्लियर है. नाउ अगर आप इन दो मैट्रिक्स के बीच में भी अगर रिलेशनशिप देखें तो बहुत इजी है. देखिए ये जो आपकी फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन गई, ये जो आपकी सेकेंड रो है ये आपकी सेकेंड कॉलम बन गई, और ये जो थर्ड रो है ये आपकी थर्ड कॉलम बन गई. इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के ट्रांसपोज है. क्लियर है अच्छे से. तो इसकी मीनिंग क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशनशिप याद रखिए. ओके वो भी आप इसका याद रख लीजिए ए एक्स ए वाई ए जेड स्मॉल ए एक्स स्मॉल ए वाई एंड स्मॉल ए जेड का इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए रो स्मॉल ए फाई एंड स्मॉल ए जेड. ओके और इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए तो आपको इसका इनवर्स रिलेशनशिप मिल जाएगा. उसके बाद स्मॉल की जगह आप कैपिटल यूज कर लीजिए तो आपको कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकल जाएगा. ओके नो डाउट यहां पर आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी, लेकिन ईएमएफटी में आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं. ओके आप हर एक चीज डिराइव नहीं कर सकते हो एग्जाम में. ओके तो
कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये जो रिलेशनशिप है जिसको हमने डिराइव किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये जो रिलेशनशिप्स हैं यूनिट वेक्टर्स के बीच में या कोफिशिएंट के बीच में, ये आपके सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए हैं। ओके, तो ये आपका यहां पर फिनिश होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर सकते हैं। ओके, मैं सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि आपका लास्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हमें स्टडी करना है। ओके, थैंक यू।